हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून दोस्तों, जेपीओ वीडियो चैनल प्रेजेंट्स बर्निंग इश्यूज जाने ज्वलंत मुद्दे। बर्निंग इश्यू में स्वागत है दोस्तों। आज का इश्यू है भगवा आतंकवाद यानी कि हिंदू आतंकवाद। दोस्तों मई 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए बम विस्फोटों का आज दिनांक 16 अप्रैल 2018 को फैसला आया है दोस्तों। इस फैसले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 5 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है दोस्तों। इन आरोपियों में स्वामी असीमानंद जी और अन्य 5 जने थे दोस्तों, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम विस्फोट किए हैं और इस बम विस्फोट में मारे गए थे 9 लोग और 18 लोग जख्मी हुए थे दोस्तों। मारे जाने का यह आरोप और 58 लोगों के घायल होने का आरोप, ऐसा संगीन आरोप इन हिंदू विचारकों पर लगा दोस्तों, जिसका 11 साल तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चला और एनआईए की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ये आरोपी स्वामी असीमानंद जी व अन्य 5 बाइज्जत बरी हुए हैं दोस्तों। जब ये केस बम विस्फोट हुआ था, उसी समय पी चिदम्बरम जी ने देश में भगवा आतंकवाद का ऐलान किया था दोस्तों। पी चिदम्बर जी और शिंदे जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए यह बयान दिए थे कि देश में बीजेपी भगवा आतंकवाद चला रही है और इस बम विस्फोट के पीछे हिंदू संगठनों का हाथ है, यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी पर भगवा आतंकवाद का आरोप लगाया। भगवा आतंकवाद दोस्तों यानी कि हिंदू संगठन जो हैं वे आतंकवादी संगठन हैं। हिंदू संगठन आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये ऐसे हिंदू संगठन है दोस्तों जिन पर बीजेपी ने भगवा आतंकवाद का सीधा सीधा आरोप लगाया। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ ये था कि देश के 100 करोड़ हिंदू लोग आतंकवादी हैं और बाकी 25 करोड़ मुस्लिम लोग निहायत ही शरीफ हिंदुस्तानी नागरिक हैं। कांग्रेस का अर्थ यही निकलता है दोस्तों। और आज जब बरी हो गए हैं ये 5 आरोपी, तो देखिए दोस्तों आज उनका यह आरोप बेबुनियाद, मिथक प्रयास, मिथक बयानबाजी उनकी निकली दोस्तों। झूठा फरेब, एक फेक इल्ज़ाम बीजेपी पर और हिंदूवादी संगठनों पर कांग्रेस का लगा दोस्तों। आज कांग्रेस देश के सामने निहायत ही झूठी साबित हो गई है दोस्तों, क्योंकि 11 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं तो कोर्ट ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत प्राप्त किए और न ही जो साक्ष्य गवाहियां वगैरह थी, विटनेसेस थी, वही स्पष्ट साक्ष्य वहां गवाहियां दे पाए दोस्तों। इसी आधार पर ये लोग बाइज्जत बरी हुए। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये लोग जो बरी हुए हैं उन्हें देखते हुए मुस्लिम संगठन के असदुद्दीन ओवैसी ने, जो कि AIMM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वह सरकार के दबाव में किया गया। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की यह बात गलत और बेहद झूठी ही साबित होती है दोस्तों, क्योंकि यदि सरकार का दबाव एनआईए पर होता तो दोस्तों अभी हाल ही बिल्कुल ताज़ा
SC ST केस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जी ने भी SC ST एक्ट के खिलाफ एक मुकदमे में फैसला दिया था, जिसमें आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लेने की से पर रोक लगाई थी उन्होंने दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई कोर्ट किसी चीज़ का, किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो और उसमें सरकार दखलंदाजी दे। दोस्तों इसी केस में कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी यह बयान दिए हैं कि जब से बीजेपी सरकार में आई है, यानी कि जब 4 साल से ऐसे ही होता आ रहा है कि हर मुकदमे में सच को झूठ और झूठ को सच साबित किया जा रहा है। ये बयान अभी गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों गुलाम नबी जी के यह सफाई भी बेबुनियाद लगती है, क्योंकि दोस्तों यह मामला 2007 का है दोस्तों। 2007 में बीजेपी सत्ता में नहीं थी दोस्तों, थी तो केवल कांग्रेस थी, इसलिए उनका यह आरोप भी बेबुनियाद ही, यह सफाई भी उनकी बेबुनियाद ही लगती है दोस्तों। दोस्तों यदि ये आरोपी बाइज्जत बरी हुए हैं तो अंदेशा इनके कांग्रेस के जो आरोप हैं उनसे यह साबित होता है कि देश के 100 करोड़ हिंदू आतंकवादी हैं और 25 करोड़ मुस्लिम इस देश के साफ सुथरे नागरिक हैं। तो फिलहाल आज ही इस केस के फैसला देने के तुरंत बाद ही जो NIA के स्पेशल कोर्ट के जज थे रविंद्र जी रेड्डी, उन्होंने भी आज तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। दोस्तों उनके इस्तीफे से यह बात ओवैसी की बात में ज़रा दम नज़र आता है कि NIA ने सरकार के दबाव में आकर यह फैसला दिया, क्योंकि रेड्डी जी का रविंद्र जी का इस्तीफा एक शक के दायरे में ला देता है दोस्तों कि आखिर उन्होंने तुरंत फैसले के बाद ये इस्तीफा क्यों दिया। इससे नई नई बातें, नए नए प्रश्न जन्म लेते हैं दोस्तों। इस मुकदमे में अब नया ही ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। आज तक की रिपोर्ट यही है दोस्तों कि रविंद्र जी रेड्डी ने आज इस्तीफा दे दिया है, यानी 16 अप्रैल 2018 को। अब इसमें क्या नया मोड़ आता है दोस्तों, यह भविष्य ही तय करेगा। तो दोस्तों हमारे देश के 100 करोड़ लोग आतंकवादी हैं और 25 करोड़ मुस्लिम भाई देश की वास्तविक सच्चे नागरिक हैं। कांग्रेस का यह दिवालियापन एक नौटंकी की तरह ही लगता है दोस्तों। कांग्रेस संप्रदायवाद की राजनीति चलाती आई है, फूट डालो राज करो की राजनीति देश जब आज़ाद हुआ था तब से ही यह नीति अपनाती आई है दोस्तों। केवल एक संप्रदाय के लिए काम करना इनका विशेष उद्देश्य बन गया है दोस्तों। तो राजनीति है दोस्तों, राजनीति तो चलती रहेगी और मुद्दे पैदा होते रहेंगे। फिलहाल आप देखिए, फैसला करिए कि आप हिंदू हैं तो क्या आप आतंकवादी हैं, आपने बम विस्फोट किए हैं, क्या आप धार्मिक स्थानों पर बम विस्फोट करते रहते हैं। तो ये सवाल है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, थैंक यू। टिप्पणी करिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच।